वो काफी घबरा गया था, इसलिए वो डर के किचन की ओर भागा। किचन में उसे रसगुल्ले दिखाई दिए। वो डर के मारे सारे रसगुल्ले खाने लगा। चार्ली, क्या तुम थोड़ा धीरे खाना खा सकते हो? थैंक यू। तो वो सारे रसगुल्ले डर के मारे खाने लगा, लेकिन उसे ये नहीं पता उसने ये रसगुल्ले खा के कितनी बड़ी गलती की। मुझे डर लग रहा है। वेट, तुम्हें यहाँ नहीं डरना है, अभी तो बेस्ट पार्ट भी नहीं आया है। अच्छा, ओके, ठीक है। वो आत्मा उसे ऐसे नहीं जाने देगी, वो आत्मा अपने रसगुल्ले लेके ही रहेगी। वो आत्मा टॉयलेट के बिना धुले हाथों से, वो उन गिलबिले हाथों से अपने हिस्से के दो रसगुल्ले उसके मुंह से निकाल लेगी। बचाओ नहीं। देखा, सबको डरा दिया। तो मुझे हॉरर स्टोरीज बहुत ज्यादा पसंद है, फिर चाहे वो किसी से सुनना हो या किसी को सुनाना हो, क्योंकि मुझे क्रीपी चीजें बहुत ज्यादा पसंद है। आई लव घोस्ट, कम हियर, आई लव यू। ये तू नाता वाता नहीं है क्या? अब बचपन में मुझे भी इन सब चीजों से बहुत ज्यादा डर लगता था, और तो और जब मेरी बहुत ज्यादा फट जाती थी मुझे मेरे पैर ही फील नहीं होते थे उस टाइम, मेरी बॉडी हिलने लग जाती थी और मैं चिल्लाता था बहुत जम से। पत्थर लौटा दो। Not gonna lie भाई, ये एपिसोड सच में बहुत डरावना था। अब भूत की कहानियां सबसे बेस्ट होती है यार, ये कहीं पर भी फिट हो जाती है। तुम किसी पार्टी में बोर हो रहे हो? ओए, तुझे एक भूत की कहानी सुनाऊं? तुम किसी की बर्थडे पार्टी में बोर हुए? ओए, भूत की कहानी सुनेगा। तुम किसी की फ्यूनरल पे बोर हुए? नहीं फक, वहां तो सच में भूत आ जाएगा। नहीं, इसको स्क्रिप्ट से काट देता हूं। हाँ, मगर मेरी स्क्रिप्ट कहाँ गई? अरे यहीं पर तो लिखी हुई थी। और ये टेप रिकॉर्डर इधर कहाँ से आया? मुझे इसे प्ले करना चाहिए या नहीं? मेरा मन तो नहीं कर रहा है इसे प्ले करने का, तो मैं नहीं करूंगा इसे प्ले। स्क्रिप्ट के हिसाब से तुम्हें उसे प्ले करना है। नहीं चार्ली, तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे, मगर मेरा नाम तो मैक्स है। बचपन में मैंने बहुत हॉरर स्टोरीज सुनी है। अरे बेटे, फिर ना मैं ऐसे हवा में उड़ने लग गया था। ओह, मुझे डर लग रहा है। दादाजी, आप फिर आपकी झूठी कहानी सुनाने लग गए उसे। पर बेटे, मैं तो उड़ रहा था। चुप रहो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, बस दो एक्स्ट्रा पिलोस पर सो गए थे आप। सो जाओ आप चुपचाप, उड़ रहे थे। बेटे ये झूठ बोल रही है, मैं सच में उड़ रहा था। अब इन सब चीजों के कारण मैं भी हॉरर स्टोरीज सुनाने लगा, और जब तुम्हारी हॉरर स्टोरी से किसी की फट जाए तो तुम्हें बहुत अच्छा फील होता है। वही पता है, फिर मेरे दादाजी ना ऐसे उड़ने लग गए हवा में। ओ भाई बहन की, तेरे दादाजी तो अलादीन की दरी जैसे है यार। दरी जैसे? वेट, क्या? ओ भाई, मुझे तो डर लग रहा है अब। मैक्स, तुमने फिर से अपने दादाजी के बारे में झूठी स्टोरीज सुनाना स्टार्ट कर दी। और हाँ, नहीं बेटा, मैक्स के दादाजी अलादीन की दरी नहीं है। अब जिन लोगों को भूत की कहानी पसंद नहीं होती या भूत से रिलेटेड कुछ भी पसंद नहीं होता, उन्हें डराने में और ज्यादा मजा आता है। उन्हें डराने के लिए तुम्हें कोई असली स्टोरी की भी जरूरत नहीं होती, तुम बस थोड़ा सा डरा दो, बाकी का वो खुद से बना लेंगे। ओए, मैंने सुना है यहाँ पे विकास की आत्मा घूमती है। हाँ भाई, मैंने भी सुना है, तू बात मत करे उसके बारे में। पता है, मुझे भी फील हो रहा है यहाँ पर कुछ है ऐसा। लेकिन विकास है कौन? मैंने तो ऐसे ही बोला था, कई यही तो नहीं है भूत? भाई, ये वाले रास्ते से निकल के ना अपन गन्ने का ठंडा जूस पियेंगे। तू आ रहा है ना भाई? भाई पता है, मैं जो भूत की कहानी सुनाता हूँ उससे लोग सच में भी डरते हैं, क्योंकि मैं मेरी कहानी में किसी बुढ़े आदमी को मरवा के रात में 3 बजे भिखारियों जैसा सड़क पर नहीं घुमाता। भाई, कोई डरता भी है तुझसे? अच्छा सुन मेरी बात, ये 100 रुपए पकड़ और ना कुछ खा लेना, और मंदिर से चिरौंजी चुराना बनकर वहाँ के लोगों को लग रहा है भगवान आ गए वहाँ पे। और सुन, गांजा फूकते मत दिख जाइयो। अब जो स्टोरीज मैं सुनाता हूँ उसमें मैं भूतों से रिलेटेड फैक्ट्स बताता हूँ, जो कि मैं रात भर जाग के इंटरनेट से जमा करता हूँ। जैसे कि जो आत्माएं वगैरह रहती है वो अक्सर चीजों के पास से झांकती है। सारी आत्माएं मिलके ऐसे किसी बंदे को कूटने नहीं लग जाती है। नहीं, गलत सोचते हो तुम लोग, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बट इन फैक्ट वो चीजें हमसे बहुत कमजोर होती है, और यही सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के कारण मुझे रात भर बाथरूम रोक के सोना पड़ता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता यार कोई भूत मेरे बाथरूम करते टाइम झांके। शु। और ये सारी इन्फॉर्मेशन जमा करना भी जरूरी होता है ना, दोस्तों के सामने कूल कैसे बनूंगा नहीं तो। ओए भाई, इसको ना भूतों के बारे में सारा नॉलेज है, इससे ज्यादा ज्ञानी कोई नहीं।
तुम लोग को मैं एक प्रो टिप बताता हूँ। जब भी तुम अपनी हॉरर स्टोरी सुनाते हो तुम्हें एक बात का ध्यान रखना चाहिए। तुम्हारी स्टोरी का भूत एक लड़की हो, उसे मकड़ी की तरह दीवार पे ऐसे चलते आना चाहिए और उसे फास्ट होना चाहिए, एकदम तेज तर्रार। ये ऐसे ऐसे कछुए जैसा नहीं चलेगा। अगर तुम्हारी स्टोरी में तुम्हारा भूत ये सब चीजें कर सकता है देन बूम, इससे कोई कैसे नहीं डरेगा, है ना? Wait, what? तूने मेरे सामने बोलने की कोशिश कैसे करी साले अनपढ़ भूत? सुन ले मेरी एक बात, यहाँ मुझसे ज्यादा ज्ञानी और कोई नहीं। अब कुछ लोग ऐसे नहीं होते जिन्हें भूत पर यकीन ही नहीं होता, तुम उन्हें कितना ही समझा लो। तो ऐसे ही मैं एक दिन पोजीशन से रिलेटेड एक वीडियो देख रहा था। जिन लोग को पोजीशन का मतलब नहीं पता, इसका मतलब होता है जब एक आत्मा आपकी बॉडी पर कब्जा कर ले। तो यही चीज मैंने मेरी मम्मी को बताई और पता है मेरी मम्मी ने क्या बोला? ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। गोश्त कहाँ हो? ये वहाँ पे लौटना बंद कर, तेरी आज ही मैंने हुडी धोई है। ओ सॉरी। गोश्त, वैसे तुम लोग को क्या लगा मेरे पास एक ही हुडी है? है ये देखो। ओ तुम यहाँ हो गोश्त? ऐसा कुछ नहीं होता है। अब हॉरर स्टोरीज पसंद करने के कारण मुझे हॉरर मूवी भी बहुत ज्यादा पसंद है। अब देखो सबकी पसंद अलग होती है, किसी को एक्शन मूवीज पसंद है, किसी को एडवेंचर मूवीज पसंद है, बट अगर तुम्हें हॉरर मूवीज पसंद है देन यू आर माय बेस्ट फ्रेंड, माय ओनली बेस्ट फ्रेंड। बस मेरे सामने हॉरर मूवीज को कभी बकवास मत बोल देना, नहीं तो तुमको दिखता नहीं है क्या वो भूत बेचारे कितनी मेहनत कर रहे उधर? खैर ये वाली वीडियो बस मैंने मेरा ओपिनियन देने के लिए बनाई थी, लेकिन अब तुम्हें भी हॉरर मूवीज देखनी होगी। देख लो यार प्लीज। तो तुम लोग ने देखा इस बेचारे ने कितनी अच्छी एक्टिंग करी मेरी वीडियो में? तेरा नाम क्या है? अच्छा सॉरी बोलना नहीं आता। ओके अच्छा वैसे तेरी फीस कितनी हुई मेरी वीडियो में एक्टिंग करने की? हे 1000 का करेगा क्या तू? अच्छा वो देख एक भूत। भाई मैं नहीं जानता तुझे। यो सो इस वीडियो के लिए बस इतना है, एंड इस वीडियो में मैं बिहाइंड द सीन काइंड कुछ चीज डालने वाला था बट मैंने वो डाली नहीं फॉर सम रीजंस। बट है एनीवेज, अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक मारना, एम करते 1K लाइक्स के लिए। मुझे पता है तुम लोग कर दोगे, कर देना यार प्लीज। कमेंट करके बताओ तुमको वीडियो कैसी लगी, एंड इस वीडियो का एक स्क्रीनशॉट लो, उसको अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज में लगाओ, मुझे टैग करो और मैं दूंगा तुमको मेरी नेक्स्ट वीडियो में एक शाउट आउट। एंड इन दिस वीडियो शाउट आउट टू इट्स वी बॉय, एंड मैं मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय द वे सब्सक्राइब।